हेलो एवरीवन, आप सभी का शीतल सर्चिंग माइंड ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एलोवेरा के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी। देखिए, ये मैं नीचे जाके एलोवेरा बहुत सारे उगाए थे तो इसको मैं कट कर लूँगी। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की जो बेनिफिट्स है वो हेयर स्किन, काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। तो फिर ये जो प्लांट है ये मैं तोड़ के ले आई ऊपर और अभी इसका जेल बनाएंगे, होममेड जेल, एकदम नेचुरली फ्रेश जेल बनाएंगे। आप लोग देखिए, एकदम इसको जो है पहले अच्छे से, इसमें मिट्टी वगैरह होता है तो इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, एलोवेरा जो है पहले इसके जेल को बनाने के लिए हाथ को अच्छे से धो लेना पड़ेगा। हर चीज़ मतलब साफ़ रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी हाइजीन मेंटेन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्किन में लगेगा और भी अगर गंदगी रहेगी तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो बारीकी से वन बाय वन एक लीफ को तोड़ लेंगे, मतलब काट लेंगे। देखिए कैसे हम काट रहे हैं। ये जो एलोवेरा होममेड जेल जो बनाएंगे तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बालों में इनको लगा सकते हैं, जिसमें एमिनो एसिड पाया जाता है इसमें, तो जो बालों को काफ़ी शाइनिंग देता है। और एलोवेरा जेल को बालों में अप्लाई करने से बालों की जो गंदगी है वो सब दूर हो जाता है, तो इस जेल को आप बालों में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक लेटेक्स पाया जाता है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक ये एक येलो कलर का होता है लिक्विड जो कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जेल जो हम लोग बनाते हैं इसके पहले जो वो ये देख रहे हैं येलो येलो, यही है लेटेक्स जो साइड इफ़ेक्ट करता है स्किन को। काफ़ी सारे वीडियो में ऐसा आया हुआ है कि पिंपल्स वगैरह आ जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक्स के ही वजह से आता है। अगर इसको अच्छे से निकाल दिया जाए तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो बस यही येलो लिक्विड जो है वही साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इसको इस तरह से हम लोग पकड़े हैं, जैसे मैं इस तरह से पकड़ी हूँ, और ये 5 मिनट आप ऐसे करके छोड़ देंगे ना तो सारे जो है येलो लिक्विड सब ऑटोमेटिक ही निकल आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको जेल बनाने के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, मैं एक ऐसे करके होल्ड, आप लोग जिस तरह से चाहें बस इसको खड़ा करके रखना है जिससे ये ऑटोमेटिक निकल जाए, इसके बाद ही आप लोग इसका यूज़ करिएगा, मतलब बनाना है। आगे का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। अब देखिए, एक एक लीफ को अच्छे से वॉश करना है, मतलब थोड़ा सा भी डस्ट या गंदगी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से जितना हाथ को भी वॉश करके ही बनाना है और इसको भी एक एक चीज़ को अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। तो उसके बाद ही करेंगे, सारे को वॉश कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये लीफ को धोते धोते मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो जो कि धूप में हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो एलोवेरा जेल को यूज़ करके निकल सकते हैं, जिससे जो स्किन है वो सनस्क्रीन का भी काम करता है। जैसे धूप में हम लोग निकलते हैं तो स्किन काफ़ी जल सा जाता है, तो एलोवेरा एक ऐसा चीज़ है, ये बहुत ठंडा चीज़ है, इसको अप्लाई करके हम लोग धूप में जा सकते हैं, जो टैन वगैरह होता है वो सब नहीं आता है। और इसको हम लोग प्राइमर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाउंडेशन वगैरह लगाने के पहले भी, मतलब सबसे पहले मेकअप के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा देर तक मेकअप मतलब टिकता है। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं और ये स्किन को एकदम स्मूथ बना देता है और टैन वगैरह सब रिमूव हो जाता है, ठीक है। मैं खुद भी इसको अप्लाई की हूँ और बेनिफिट उसके बाद ही मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। और ये देखिए, जो अब वॉश करते हैं तो काफ़ी सारे इसके जो कांटे वगैरह है काफ़ी शार्प रहते हैं, तो इससे हाथ कट सकता है। मैं तो इतना हड़बड़ हड़बड़ में धो रही हूँ, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाथ भी कट सकता है, काफ़ी शार्प है, एकदम डायनासोर टाइप का, अच्छा लगता है देखने में भी। और कुछ लोग जो है वो टोनर यूज़ करते हैं, कुछ लोग गुलाब जल यूज़ करते हैं, रोज़ वाटर, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट तो होता ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेनिफिट ये देता है, क्योंकि एलोवेरा तो उसका तो बेनिफिट है, वो है ही, उसको तो जूस के रूप में खाया भी जाता है। अच्छा ठीक है, ये देखिए इसको जो है ना, मैं थोड़ा कंजूसी कर रही हूँ, इसको मैं बचा ली हूँ। मैं क्यों इसको फेंकूँ, क्योंकि एलोवेरा तो ऐसे मिलता नहीं है कहीं पर भी, अभी इसमें भी काफ़ी सारा जेल निकल जाएगा, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी, मैं इसको फेंकूँगी नहीं, ठीक है।
और ये जब जेल बनके तैयार हो जाएगा तो आप लोग इसको कहीं जैसे कट जाता है, हाथ वगैरह कट जाता है नाइफ से, या किसी भी कटे हुए जगह पे भी इस जेल को यूज किया जा सकता है, जिससे जैसे ब्लड वगैरह रुक जाने के बाद इसको 2-3 दिन में अप्लाई करते करते वो घाव जल्दी भर जाता है। तो एलोवेरा के इतने सारे यूजेस हैं, आप लोग घाव वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बालों में, हेयर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कितना सारा मतलब ये निकल गया है जो लैटेक्स के बारे में जो बता रहे थे। देखिए ये लग रहा है कोई हल्दी, मैं बाकी मैं लाइव एकदम जैसे वीडियो कर रही हूँ, कोई हल्दी नहीं है, ये ऑटोमेटिक उससे निकला हुआ लैटेक्स है जो कि साइड इफेक्ट करती है स्किनों को। तो बहुत लोग का ऐसा कंप्लेन आता है तो मैं आप लोग को आज बता दी, ये टिप कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता दी, ठीक है। तो उसको निकाल के अब देखिए अब सारे एलोवेरा को कट करेंगे। हाँ एक चीज़ है, एलोवेरा को का जूस निकालना तो बहुत मेहनत का काम है क्योंकि ये आसानी से निकलता नहीं है। देखिए इसको हर तरह से काटे जा सकते हैं, जैसे जिस तरह से भी आपको आइडिया हो जैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे निकाल रही हूँ इनका जूस को, तो आप देखिए एलोवेरा के इस जेल को निकालने में काफ़ी स्लिपिंग आ रहा है हाथ में, तो ये एक प्रोसेस है जो मैं दिमाग लगाई हूँ और इस तरह से काफ़ी आसानी से ये निकल जा रहा है। स्पून की हेल्प से ये जल्दी 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 हो जा रहा है, तो ये एक अच्छा प्रोसेस लगा हमको। ऐसे करके सारे जेल को निकाल लेंगे। एक कटोरा जेल तो हमारा भर चुका है, हो गया है, अब और भी जल्दी जल्दी निकालेंगे। देख सकते हैं कितना सारा जेल निकल चुका है, काफी हो गया है ज्यादा। अभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, एकदम बारीकी से स्मूथ बना लेंगे इस पेस्ट को, एक पेस्ट बनाएंगे। तो एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके लेना है, मैं 3 बार में कर ली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसका पेस्ट बना लेंगे और मैं एक बड़े कंटेनर में इस जेल को पेस्ट को रख देती हूँ और फिर ये देखिए विटामिन सी कैप्सूल, विटामिन सी कैप्सूल इस बाउल में जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस की बात कर ले तो 35 रुपीज़ ओनली दाम है इसका, और ये इसमें 2 ही कैप्सूल जाएगा 1 बाउल में। और ये विटामिन सी कैप्सूल किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा, और एक एक बाउल में 2 कैप्सूल करके ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितना ही बाउल होगा हम सभी में 2-2 करके यूज़ करेंगे, ठीक है।
ठीक है। और इसका बेनिफिट तो आप लोग जानते हैं, विटामिन सी कैप्सूल से क्या होता है, ये स्किन को स्मूथ, शाइन और ब्राइट ये चीज़ होता है, इसके यूज़ से कभी साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है और स्किन को लाइटिंग टोन बनाती है। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ, आप लोग कोशिश देखिए। स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से, इसका टेक्सचर को बनाना है, अच्छे से इसको मेल्ट करना है। और देखिए मैं स्किन में थोड़ा सा अप्लाई करके देख रही हूँ कितना अच्छा बन पाया है कि नहीं। और देखिए मैं ऐसे करके अप्लाई कर रही हूँ और ये देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी लग रहा है अभी तक तो। देखिए थोड़ा सा ड्राई लग रहा है ये वाला हैंड और ये वाला थोड़ा सा ग्लॉसी आ रहा है। अब इसको अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद ही इसका पूरा बेनिफिट हम लोग को मिल पाएगा, ठीक है। एलोवेरा जेल तो अच्छा से पेस्ट बन चुका है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। देखिए इसका कलर भी ग्रीनिश टाइप का आ रहा है, ठीक है। अब जो है एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये है टोनर, ठीक है, ओरिफ्लेम का टोनर है। और ये जो है इसको यूज़ नहीं करना है इस जेल में। और ये है गुलाब जल, इसको एलोवेरा जेल में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब ग्लास का कंटेनर ली हूँ जो इसको मैं फ्रीज में स्टोर करके रखूँगी, जिससे ये 3 महीने आसानी से चल जाएगा। और प्लास्टिक के बॉल में मत रखिएगा इसको, जितना हो सके ले लीजिएगा ग्लास का ही कुछ भी कंटेनर जो आपके पास हो। तो वन बॉल मेरा बन के रेडी हो गया, अब सेकंड बॉल रेडी करेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके बना के इसमें डालते जाएंगे। इसके बाद देखिए इसको बनाने के बाद जो है फ्रीज में रख देंगे, हाँ फ्रीज में, फ्रीजर में रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक हम लोग रख सकते हैं इसको। लीजिए हमारा एलोवेरा जेल बन के रेडी हो गया है एकदम बढ़िया सा, अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। जैसे कि मैं बताई थी कि कुछ लोग इसमें गुलाब जल यानी रोज़ वाटर यूज़ कर लेता है और कुछ लोग टोन वगैरह क्या क्या डाल लेता है, तो जिससे काफ़ी सारा इफ़ेक्ट होता है। इस गुलाब जल को नहीं डालना है और एलोवेरा जेल में एकदम इसको सिंपल सा पेस्ट बना के रखना है फ्रिज में। और इसको जो मैं कैप्सूल बोली उसको यूज़ करके काफ़ी सारा बेनिफिट देख पाएंगे खुद ही अपने स्किन में। और ये एलोवेरा जेल लेडीज़ जेंट्स दोनों ही अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि स्किन को हेल्दी, शाइन और फ्रेश रखता है। तो आप लोग बताइए ये वीडियो कैसी बनी, क्या मैं आप लोग को कुछ हेल्प कर पाई। अगर ये वीडियो अगर यूज़फुल लगता है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर कोई ओपिनियन है तो हमें ज़रूर बताएं, और कुछ अगर क्वेश्चन करना है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।